तो ये सरकार हमरी के साथ छलावा करल है, सरकार हमरी के कहीं ना कहीं अंधेरा में रखल है, अखबार में अले, मीडिया में अले, सब जगह अले कि हट गेलो, लेकिन हमरी के चाहिए खाना पेट भर के बाद तो हमरी के दे चखना, तो चखना से हमरी माने वाला ना आइयो। और जो 32 के खतियान जकर पे तो आए ले सरकार पे, क्योंकि तोरे मैनिफेस्टो में आलो कि हम सब मुख्यमंत्री बनबो तो हम 32 के खतियान लागू करबो, तो अब तोरा 32 के खतियान लागू करे है तो है मगी भोजपुरी घटा 1932 के खतियान आन, सरकार गिरते गिरे दी तो अभी 30 सीट में है, आए वाला दिन में तोरा 60 सीट हमरी देबो, आजीवन तो मुख्यमंत्री बनबे। अरे एक बात कह दे, ये तीने ऑप्शन है, या तो मुख्यमंत्री हमनी से मेल करे हते, या तो जेल दिए हते, और नहीं तो गोली मारे हते, अगर सिवाय कोई ऑप्शन। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। झारखंड में भाषा विवाद और स्थानीय का मुद्दा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को लेकर जहां एक तबका पक्ष में खड़ा है, तो वहीं इसे हटाने को लेकर एक तबका लगातार आंदोलन कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, आज भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा हटाओ और 1932 के खतियान को लागू करो की मांग को लेकर धनबाद और बोकारो से पदयात्रा कर रांची पहुंचे तीरथ, आकाश और विकास महतो को पुलिस ने राजभवन के समक्ष रोका। सही सुना आपने, इससे पूर्व सदर थाना पुलिस ने बीआईटी में भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर बाद आगे जाने का आदेश दिया। एक लाइन से चल रहा है, आपको यहाँ रोका गया था? हाँ, हम लोग यहाँ रोका गया था, अभी प्रशासन के लोगों के द्वारा ये अपने वरीय पदाधिकारी से बात कर रहे थे और अभी वरीय पदाधिकारियों से बात हो गई है और हमरी के मैंने बोलल गया है कि सिंगल लाइन में राजभवन तक चल और वहाँ से तोनी के मुख्यमंत्री से मिले। वो मेल दो, क्या बातें हुई अभी अधिकारी से, क्या बातें हुई? आप लोग यहाँ रोका गया था? रोका गया था, हम लोग को बोला गया है कि राजभवन के तक जाना है क्योंकि बूटी मोड़ में कई साथी इंतजार और कर रहे हैं, तो वहाँ मुलाकात होगी, फिर हम लोग जाएंगे राजभवन, उसके बाद डेलीगेट्स लेके जाया जाएगा मुख्यमंत्री को, ऐसा हम लोगों को बोला गया। सर, तो राजभवन जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। हम लोग का मकसद मुख्यमंत्री से मिलना है, बड़कादा से मिलना है, जोन रास्ता से ले जाए। मुख्यमंत्री से मिलने की बात पर तीरथ आकाश ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि हमें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। कल शाम यानी 25 फरवरी को अगली रणनीति का ये सभी खुलासा करेंगे। हालांकि आपको हम बताते चले कि इस खबर से आपको हमने लाइव अवगत कराया है अपने फेसबुक पेज से, इसलिए हमने कहा कि यदि अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो लाइक नहीं किया जो कर लें, ताकि आपको लाइव अपडेट मिलता रहे। बहरहाल, तो वही आपको बताते चले कि विभिन्न संगठनों के द्वारा बूटी मोड़ और करमटोली चौक में भी आंदोलनकारियों का स्वागत किया गया। दिन भर की क्या रही गतिविधियां, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और किसने क्या कहा, सुनते हैं। हमरी जाय रही है खातिर कि माननीय मुख्यमंत्री जी दुमका से कहा लालथिन कि सड़क में भी तोनी आंदोलन कर रहा है, लेकिन तोनी रांची आ, रांची में हमारे से बैठ के बात कर, तो तुम बड़दादा लागे तो अपन मुख्यमंत्री गेट के दरवाजा खोल के रख। हमरी खाली मने बुलल और खाली पैर है खातिर आ रही हो कि झारखंड जो संघर्ष से बनल है, विनोद बाबू के चरण में स्पर्श करके, विनोद बाबू के विचार के लेके हमरी आ रही हो रांची, तो खोल आर मुख्यमंत्री गेट में दरवाजा खोल, बैठ के हमरी से बात कर, हमरी बात कर रही हो, तो हमरी बड़दादा लागे, हमरी तो यार छोट भाई लागियो, और तो बहुत तरह के बात अभी आवो, बहुत तरह के बात बोल रहा कि सरकार में दबा, ई में दबा, तो एक बात हमरी तोरा कह चाहिए, तोरा करोनो दबाव से डायरेक्ट जरूरत ना हो, तो है मगी भोजपुरी घटा 1932 के खतियान आन, सरकार गिरते गिरे दी तो अभी 30 सीट में है, आए वाला दिन में तोरा 60 सीट हमरी देबो, आजीवन तो मुख्यमंत्री बनबे। झारखंड के गिदर के सिर्फ मान सम्मान चाहिए, हमरी के भाई बहन सबके नौकरी चाहिए, हमरी के अधिकार चाहिए, झारखंड के पहचान चाहिए, बस हमरी के एटे मांग है दादा, और ये मांग तोरा पूरा करे है, तो हमरी आ रही हो मुख्यमंत्री गेट के दरवाजा खोल के रख, तोर छोट भाई लागियो, तोरा मिल के हमरी से बात करे है, तोरा पलामू प्रमंडल के मंत्री तो लागू करवा दिलो, और तोहरा हमें कहियो कि पलामू प्रमंडल के मंत्री मिथिलेश ठाकुर पत्र लिखले और मगही भोजपुरी धनबाद और बोकारो में कैसे लागू है, तो है धनबाद और बोकारो के मंत्री लगा ओकर अतना चला यार, तोहर के अतना चलो सरकार में, तो इटा हमें तोहर से पूछे चाहिए कि जब मिथिलेश ठाकुर पत्र लिखले लागू हो गए तो है बोल तो आधा अधूरा का है, तो है पूरा संपूर्ण रूप से हटवा, इटा हटवे है तो काहे काहे कि एके सरकार दू गो नीति नहीं चलतो, तोहर बात नहीं चल रहा, ओकर बात चल रहा, तो है सोचा कि ओकर बात काहे चल रहा हो। विकास कुमार महतो, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सदस्य लगी हम। धनबाद से भोजपुरी मगे हटा हटे।
दम तक खटे और दम तक भात खाए हो, चखना से पेट भर वाला ना हो। मामला ये कहना ही है कि गजट संख्या 660 24/12/2021 एकर में लिखा है कि जिला स्तरीय नियुक्तियों खातिर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में बोकारो धनबाद में भोजपुरी मगही रहते। हमने 58-59 दिन से ओकर विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री की करल तुन खाली मैट्रिक और इंटर के क्या वैकेंसी जे निकलते ओकर से वापस कर दिलथुन। मैंने मांग लिए भात मिल चखना लॉलीपॉप, तो उठा का हमने विरोध कर रही है। हमने का स्पष्ट कहना है कि गजट संख्या 660 24/12/2021 ओकर पूरा निरस्त करना है। कोई भी हाल में जिला स्तरीय कोई भी नियुक्ति में भोजपुरी मगही ना चाहिए, काहे कि ई परंपरा और संस्कृति के लिए अगर हमारे गांव आ जीते तो हमारे गांव बर्बाद भ जीते, हमारे संस्कृति बर्बाद भ जीते। और हमने गाँव के लोग गांव खाली आज तक बाजार करे गेलो, आज कहला लिए कि हमारे गाँव के बर्बाद ना कर, तो मुख्यमंत्री से निवेदन हमने करल आए लिए। अरे पूरा भीड़ तो अखन बढ़त लोक लागब थीन। और एक बात कह दिए, तीने ऑप्शन है, या तो मुख्यमंत्री के हमने से मेल करे हते, या तो जेल दिए हते, और ना तो गोली मारे हते, अगर सिवाय कोई ऑप्शन ना है। हाँ मैम, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन धनबाद से काफ़ी लोग यहाँ पैदल चलकर आए हैं, आपने अगवानी किया, उनका स्वागत किया, क्या कहेंगे? देखिए, स्वागत किया क्योंकि इतनी दूर से चल के आए और हम लोग सब लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं। जो मसले हैं अभी झारखंड में बहुत ज्वलंत, जो बाहरी भाषाओं को जिस तरह से यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बना के डाला गया है, निश्चित रूप से वो हमारे अधिकार क्षेत्र में सेंध मारी है और साथ ही साथ हमारा अपमान भी है कि नौ झारखंडी भाषा जो मूल रूप से यहाँ की है उसके अलावा जो और दूसरी भाषाओं को यहाँ पर डाला गया है। तो आगे से हम लोग देख रहे हैं उड़िया बंगला जो है वो हमारे हिस्से में सेंध मारी कर ही रही है। अब और भाषाएं जो मूल रूप से बिहार की हैं, जो बोलियां हैं जिनको मान्यता बिहार में भी नहीं है, उनको यहाँ पर सरकारी प्रक्रिया में डाला जाना और 10वीं और 12वीं में भी उनके लिए ये सारे व्यवस्था बनाना, तो फिर तो उनको एक लाइसेंस मिलेगा यहाँ के रोजगार पे अपना कब्जा जमाने का। तो ये फिर बिल्कुल भी ये गलत है, हर हिसाब से गलत है, संवैधानिक रूप से भी गलत है, क्योंकि हर राज्य का अपना अपना एक जो होता है दायरा होता है, वहाँ के लोगों की अस्मिता पहचान जो होती है वो बरकरार रहती है। तो जो इतने वर्षों से जो हमारी स्थानीय नीति भी लागू नहीं हुई है, हम चाहते हैं कि खतियान आधारित जो है स्थानीय नीति जो आखिरी सर्वे ऑफ सेटलमेंट जो हुआ था उसके ऊपर आधारित हो, मतलब सभी जो सालों को लेकर के, और जो है रोजगार नीति यानी कि नियोजन नीति भी निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है कि झारखंडियों की पहचान के साथ साथ उनके जो अधिकार जो है रोजगार पे क्या होंगे, और इसके अलावा भाषा नीति भी जो है वो भी निर्धारित करना ज़रूरी है ताकि आगे से कभी भी इस तरह से घुसपैठ जो दूसरे राज्य के भाषाएं यहाँ पर ना कर सके। किसी भी आप राज्य में चले जाइए, वहाँ पर अपनी अपनी भाषाओं को मान सम्मान मिलता है, उनके लिए व्यवस्थाएँ बनाई जाती हैं। सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि भोजपुरी और मगही धनबाद और बोकारो से हटा दिया गया, फिर भी आक्रोश, क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं, आक्रोश नहीं, पूर्ण रूप से अभी नहीं हटा है ना, आक्रोश तो थमा था मगर लोगों को पता चला कि पूर्ण रूप से इसको नहीं हटा है, हटाना है पूर्ण रूप से हटाइए। और फिर दूसरा, हर राज्य का अपना भाषा है, उसमें कहाँ हम झारखंड वगैरह के लोग अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो थोड़ी हमको मान्यता मिल जाएगा। आदमी रोजगार के लिए नौकरी में हर जगह जाता है, हर जगह रहता है, प्रेम भाव से यहाँ रह रहे हैं, सभी लोग रह रहे हैं, मगर जहाँ यहाँ हक और अधिकार को उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। जबकि झारखंड का मिट्टी और हवा पानी हम समझते हैं पूरे देश में जितना अच्छा है, इसको हीरा झारखंड लोग कहता था पहले, तो प्रेम से रहिए और जहाँ रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ के स्थिति को और वहाँ का जो संस्कृति है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, सबको समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, अभी आप रामदल चौधरी से सुन रहे थे, विकास महतो हमारे साथ हैं, अब हम उनसे बात करेंगे। विकास जी, जिस तरह से आप लोग का ये भव्य स्वागत किया गया है
बूटी मोड़ चौक में क्या कहेंगे? ये झारखंडी भावना का स्वागत है, ये मुद्दों का स्वागत है, जिस मुद्दे के साथ ही सरकार बनल है कि 1932 हम लागू करवाई मुद्दा टाके लेके हम जा रहे हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष के स्वागत ना है, यहाँ मुद्दा के स्वागत है, यहाँ मगही भोजपुरी ना चलतो के स्वागत है कि झारखंड में जब ना बोलल जाए तो भाषा तो की लागू कर ले, तो लड़ाई टाके स्वागत है व्यक्ति विशेष के ना, क्योंकि सबके मुद्दा एक है, झारखंड में झारखंडी के पहचान मिले चाहिए। यहाँ खतियान आधारित तो स्थानीय नीति लागू करे तो मगही भोजपुरी यहाँ से हटवे तो यह खातिर हमरी कही है, यार कोनो बात ना है। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।